क्या आप भी बहुत टाइम से बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी बाइक ली जाए? एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ बाइक और यू आर इंटरेस्टेड इन दिस हिमालयन 450। तो चलो आज मैं आपको बता दूं कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है और क्या मेरी स्टोरी रही सब कुछ। तो 4 साल पहले मैं राइडिंग कर रहा था बहुत ही एक्सटेंसिवली। आई हैड अ एवेंजर 220cc देन एंड आफ्टर दैट आई गॉट बिजी इनटू माय कॉर्पोरेट लाइफ। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पूरी तरीके से मैं लग गया। देन आई गॉट मैरिड, देन आई गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। इन सारे चीज़ों के बीच में मेरा जो पैशन था राइडिंग का मैं एकदम भूल ही गया था। बट आई यूज टू ऑलवेज थिंक यार कि आई हैव टू रिज्यूम फिर से बाइक राइड स्टार्ट करना है। एंड देन आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं आई विल स्टार्ट अगेन वंस आई बाई अ न्यू बाइक। एंड फाइनली आई बॉट दिस न्यू हिमालयन 450cc एंड आई एम जस्ट लविंग दिस बाइक। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपके लाइफ में कोई चेंज हो उस वजह से आप अपने पैशन को भूल जाओ। यू नो इट वॉज लाइक कि चलो अब मैं तो कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, हाउ कैन आई गो ऑन अ राइड, या मेरी शादी हो गई अब मैं क्यों राइड पे जाऊँ, या मेरा बच्चा हो गया अब मैं क्यों राइड पे जाऊँ। तो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन इन योर लाइफ, बट समथिंग विच कीप्स यू मोटिवेटेड, समथिंग विच कीप्स यू हैप्पी, यू शुड डू दैट। एंड राइडिंग एंड माई लव फॉर बाइक इज वन ऑफ दैट। सो मैंने फाइनली जब ये 450 आई, उससे पहले भी मैं बहुत टाइम से बाइक्स के लिए रिसर्च कर रहा था और पूरे 4 साल लग गए मुझे डिसाइड करने में और अपने आप को पुश करने में एक बाइक खरीदने के लिए। ऐसा नहीं था कि आई डिड नॉट हैव मनी या वैसा कोई प्रॉब्लम थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सी बाइक लूँ यार, और दूसरा कि बाइक लेना है कि नहीं लेना। देन आई डिसाइडेड कि बाइक लेना है। फाइनली जब ये बाइक लॉन्च हुई तो उस टाइम पे आई हैवन डिसाइडेड कि आई रियली वॉन्ट टू बाई अ बाइक और नॉट। देन आई जस्ट वॉक इन टू द रॉयल इनफील्ड शोरूम इन GK एंड वहाँ पे जब मैं गया एंड आई टुक द टेस्ट राइड ऑफ दिस बाइक, आई फेल इन लव विद दिस बाइक मैन। एंड इमिडिएटली एट द सेम टाइम आई बुक द बाइक। द टोल्ड मी कि बाइक 2-3 महीने के बाद आएगी। मैंने बोला बुक कर लो, जब आएगी भाई मुझे दे देना। एंड लकीली आई गॉट सम कॉन्टैक्ट्स और मुझे बाइक मुश्किल से 20 दिन के अंदर में डिलीवर होके मिल गई। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज अभी नहीं देने जा रहा हूँ कि क्या क्या है, वो दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन ईजिली, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स एंड द थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस। तो अभी तक इस बाइक को मैंने अराउंड 300 किलोमीटर्स चला लिया है और जो मेरा अभी तक राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है और रोड प्रेजेंस को लेकर के इसका और जो बाकी लोगों का रिएक्शन रहा है बहुत ही डिसेंट एंड आई रियली लव्ड इट। जब मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे हिमालयन 450 क्यों लेनी है, सबसे पहला ये था कि इस बाइक का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आई फाइंड दिस बाइक वेरी कम्फर्टेबल। तीसरा कि इट इज अ वैल्यू फॉर मनी कि 30,000 में आपको एक ऐसी बाइक मिल जा रही जो आपको बिग बाइक का भी फील दे दे रही है एंड विच इज इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड विच कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑल्सो। लुक एट दिस बाइक मैन, इसका लुक देखो आप। जब मैंने इसको लिया और थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड करती एंड दिस बाइक लुक्स अमेजिंग। अभी जब मैं सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड पे यहाँ पर आया, 4-5 लोग मेरे पास आए, उन्होंने आकर के बोला यार अमेजिंग बाइक, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस बाइक लुक्स अमेजिंग। दे वर लाइक दे वर ऑल्सो दे हैड अ क्रश ऑन दिस बाइक, उस तरीके से आकर के मुझसे बात कर रहे थे वो लोग। आई रियली फेल्ट हैप्पी। व्हिच इज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड? द बाइक दैट यू ओन और द बाइक दैट यू आर प्लानिंग टू बाई इज गोइंग टू द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। इट डजेंट मैटर कि आपके पास रॉयल इनफील्ड हिमालयन है या कोई भी मिड लेवल की बाइक है या आपके पास में कोई सुपर बाइक है, ये मैटर नहीं करता भाई आपके पास में कौन सी बाइक है। ये मैटर करता है कि आप उस बाइक के साथ करते क्या हो, उस बाइक को अपने गैरेज में खड़ा करके रखते हो और यू राइड ऑन दिस बाइक, यू गो टू प्लेसेस एंड यू फॉलो योर पैशन फॉर राइडिंग। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू एंड हियर विद दिस। So if you like the video, please subscribe and follow me for more such videos. And if you want to make a video on the specification of this bike, please drop a comment or I'll make a video on that. Thank you so much for watching. See you in the next video.